अक्सर कहते हैं कि लोग गज़ल के नाम पे क्या क्या कहते हैं, लोग गज़ल के नाम पे क्या क्या कहते हैं। अपने दिल की बात कहें तो कैसा हो, अपने दिल की बात कहें तो कैसा हो। और आप सब ने आज दिल की बात कही, और कहते हैं कि शायरी खाली प्यार मोहब्बत की बात होती लेकिन अश्क की भी बात होती है। तो आपके अपने अश्क नहीं थे, तमाम दुनिया के अश्क आज की शायरी में बिखर गए थे। और एक शेर और कह कर के अपनी एक कविता पर आऊँगी, फिर एक गज़ल कोशिश करूँगी तरन्नुम में कहने की। अहले सियासत की कोशिश बस है इतनी, क्योंकि मैं इसलिए आज कह रही हूँ कि जैसे मैंने जिक्र किया कि नवरात्रि है और रमज़ान चल रही है, और माधव नूर जी से हमने शुरुआत की, गंगा जमनी नाम है जिनका, है कि अहले सियासत की कोशिश बस है इतनी, हिंदू मुस्लिम दूर रहें तो अच्छा हो। क्यों लगता है हर एक सपना सच्चा हो, जैसे हम हैं वैसी सारी दुनिया हो। तो अब मैं कुछ वो बातें, मैं कविता जब बहुत गुस्से में होती हूँ और दुखी होती हूँ तब मेरे भीतर से कविता निकलती है। तो ऐसे ही किसी के दुख को देख करके एक बार ये कविता निकली थी। मैं कंफ्यूज थी कि मैं क्या पढ़ूंगी, लेकिन जब नवीन जी ने अपनी कविता सुनाई बेटी को लेकर के और बेटे को लेकर के, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें किसी, जैसे लड़के और लड़के में कहीं भेद नहीं करना, दोनों ही एक समान हैं, तो यहाँ पर लेकिन अभी भी क्या वो सचमुच ऐसा होता है। तो इस कविता को मुझे लगता है कि आज की नारी को खुद इवॉल्व होना है, अपने रास्ते खुद बनाने होते हैं। तो इसका शीर्षक है, उन्वान है, खिड़की एक नई सी। कहता है वो ये तय करूँगा मैं कि कितनी हवा ले सकती हो तुम, कब कौन सी कितनी खोलनी है खिड़की, बताऊँगा तुम्हें ये मैं। कब कौन सी कितनी खोलनी है खिड़की, बताऊँगा तुम्हें ये मैं। कितनी ऑक्सीजन मिलेगी तुम्हें, निर्णय होगा ये मेरा। कितनी प्राणवायु समो सकती हो अपने फेफड़ों में तुम, निर्धारित करूँगा ये मैं। ये क्या मेरा ध्यान ज़रा सा बंटा नहीं कि तुमने हिमाकत कर ली खिड़की खोलने की, बिना मेरी इजाज़त प्राणवायु भीतर समोने की। किस भाषा में समझोगी तुम कि घर ये मेरा, हाँ मेरा, और जानता हूँ कि बहुत हवादार भी है, लेकिन इस घर में हवा तुम्हें उतनी ही मिलेगी जितनी मैं दूंगा तुम्हें। इस घर में हवा तुम्हें उतनी ही मिलेगी जितनी मैं दूंगा तुम्हें, क्योंकि सब कुछ मेरा ही तो है, और मेरा मैं तुम्हें जितना देगा बस उतना ही होगा तुम्हारा प्राप्य। मेरा मैं तुम्हें जितना देगा बस उतना ही होगा तुम्हारा प्राप्य। क्या करूँ तुम्हें खुशियाँ देने का दिल ही नहीं होता, आखिर कैसे लोग तुम्हें मुझसे श्रेष्ठ कह सकते हैं। तुम्हारा वजूद मुझसे बड़ा, तुम्हारा अस्तित्व मुझसे पहले नहीं। गलतफहमी है ये लोगों की और तुम्हारी भी। तुम्हें मैं खंड खंड कर दूंगा, तुम्हें मैं खंड खंड कर दूंगा, कभी पूरी खिड़की खोलने ही नहीं दूंगा। तुम खुद को मुझसे बड़ा बना ही ना सको, इसलिए प्राण वायु भी तुम्हें मैं किश्तों में ही दूंगा। इसलिए प्राण वायु भी तुम्हें मैं किश्तों में ही दूंगा। रो रही हो, क्योंकि नहीं पिघलाते तुम्हारे आंसू मेरे भीतर कुछ भी, और जान लो कि आंसू बहाना ही है नियति तुम्हारी। मैं छीन लूंगा वो हर पल, वो हर मौका जो मुस्कान तुम्हारे होठों पर सजा सकता है, वजूद को तुम्हारे मुझसे बड़ा बना सकता है। देख रही हो बड़ी हसरत से बच्चों की ओर, पर क्या है ना कि मेरे पितृत्व ने उन्हें भी सम्मोहित कर दिया है, तुम्हें हवा देने वाली हर खिड़की को उन्होंने भी बंद कर दिया है। उसकी सांसें घुट रही थी, आखिर कैसे वो जी रही थी। क्या कहा उसने, आंसू बहाना ही है नियति मेरी, नहीं हरगिज नहीं ये नियति मेरी। मैं नहीं बनूंगी याचक अब कभी, लूंगी अपने हिस्से की प्राण वायु अब मैं खुद ही। जैसे ही सोचा उसने, अचानक बंद खिड़की दरवाजे से रोशनी सी दिखी। उस रोशनी में उसे कलम और डायरी दिखी। जैसे ही कलम उसने हाथ में उठाई, कुछ ताजी हवा भीतर उसके समाई। खोला उसने वरक नया कलम से लिखा हर्फ नया। बनने लगे मन के उद्गार, अब गीत, नज्म, कहानी, कविता और न जाने क्या क्या लिखा उसने। मैं लेना चाहती हूँ सांस, खुली हवा में होना चाहती हूँ मुक्त भीतर की घुटन से, लेना चाहती हूँ अपने हिस्से की प्राण वायु अब मैं खुद ही। और अचानक
खुल गए खिड़कियां दरवाजे तमाम, नहीं घुट रही सांसें, अब उसकी मुस्कान में बदल गई सिसकी। जितने शब्द उतर रहे थे वर्कों पर, प्राणवायु उतनी भीतर उसके भर रही थी। लिखते लिखते अब वो गम के नहीं खुशी के तराने गुनगुना रही थी। झुटला किसी का दम, अब वो मुस्कुरा रही थी। खुद ऑक्सीजन ले पा रही थी, लिखती जा रही थी। ताज़ी हवा से मुस्कान उसके पूरे वजूद को महका रही थी, उसके पूरे वजूद को सजा रही थी। और अब मैं थोड़ी हिमाकत करती हूँ एक तरन्नुम में गज़ल कहने की। तो पहले जी मतलब है कि ख्वाब में जो आती थी वो परी कहाँ गई, ज़िंदगी से पूछेंगे ज़िंदगी कहाँ गई। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ख्वाब में जो आती थी वो परी कहाँ गई, ख्वाब में जो आती थी वो परी कहाँ गई। जिंदगी से पूछेंगे जिंदगी से पूछेंगे जिंदगी कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। शेर अर्ज करती हूँ। सामने है ये दुनिया, सामने है ये दुनिया, दिलकशी कहाँ गई दिलकशी कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, दिलकशी कहाँ गई। प्यार तो है सीने में, प्यार तो है सीने में, बेखुदी कहाँ गई बेखुदी कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। और अक्सर ये हम सब इस चीज़ को देखते हैं नवीन जी, और आप तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आते हैं, शायद उनके भीतर भी ये महसूस करते होंगे कि दिल में जो महकती थी, दिल में जो महकती थी वो खुशी कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, वो खुशी कहाँ गई जो सुकून देती थी, जो सुकून देती थी, वो तीरगी कहाँ गई वो तीरगी कहाँ गई। अपने अपने गुलशन की, अपने अपने गुलशन की एक ही कहानी है, एक ही कहानी है, फूल तो है दामन में, फूल तो है दामन में, ताजगी कहाँ गई ताजगी कहाँ गई। सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया है, तो वो ताजगी चली गई है ज़िंदगी से। और कई बार लोग गुमनामी के उसमें डूब जाते हैं, उनको ये देती हूँ शेर की। एक ज़माना वो भी था, एक ज़माना वो भी था, हम चराग रखते थे, हम चराग रखते थे, अब धुएं में रहते हैं, अब धुएं में रहते हैं, रोशनी कहाँ गई रोशनी कहाँ गई। अब मक्ता पेश करती हूँ कि
दास्ताने गम जन्नत, दास्ताने गम जन्नत, हम सुनाने वाले हैं, हम सुनाने वाले हैं। इस पर तवज्जो चाहूंगी आप सबका। सब कही सी बातें हैं, सब कही सी बातें हैं, अनकही कहाँ गई, अनकही कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई। ख्वाब में जो आती थी वो परी कहाँ गई। शायरी से पूछेंगे शायरी कहाँ गई, शायरी कहाँ गई। तो बहुत वाह 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 वाह।